नमस्कार है आप सभी को। सनसेट वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है और ये है भारत पर्व का पार्ट 3 फाइनल 1। एंड आप लोगों ने देखा जैसे पार्ट 2 में मैंने पहली बार अपने आप को पोस्ट किया था एक पोस्ट कार्ड, एंड 360 में भी हमने एक्सपीरियंस किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और पार्ट 2 में हमने काफी अमेजिंग ये जो झांकियां थी वो भी देखी थी क्लोजली, तो आप वो भी देख सकते हैं उसमें। सो गाइज, ये है भारत पर्व का पार्ट 3 वीलॉग एंड आप देख रहे हैं अमेजिंग सनसेट ऑन सनसेट वर्ल्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ गए हैं वहाँ पर, सीधा ये डिफरेंट डिफरेंट राज्यों की वो लगी हुई है। सो गाइज, ये आप देख रहे हैं ये था 35 ईयर्स ओल्ड, ये जो हम पहले जमाने में देखते थे बच्चे लोग, तो वो लाइव दिखा रहे थे। आपके पास कब से है? 35 साल पुराना विंटेज। तमिलनाडु का है ये, ऐसे करके बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये सनसेट कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सो ऐसे ही स्टेट वाइज पवेलियंस लगे हुए हैं एक के बाद एक। वहाँ तक आप लोग घूम सकते हैं। आज हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ झारखंड की टूरिज्म में, तो ये हम झारखंड में जा रहे हैं। सो यहाँ पे टीवी स्क्रीन्स भी लगाए हुए हैं जिसपे झारखंड के बारे में बताया जा रहा है ऑन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। झारखंड में जैसे घर होते हैं उसका एक मॉडल यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ के मतलब बेसिक जो भी होता है आर्ट कल्चर एंड एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर। अब चलते हैं थोड़ा डांस करने। सो गाइज, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा ट्यून है, कौन से गाने का ट्यून बज रहा है यहाँ पे। सो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। तो गाइस, काफी सुंदर डांस दिखाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। वे हम जाने वाले हैं गोवा पे। I like the corridor over here. Hello guys, hi. आप लोग गोवा से हैं? गोवा से पर्टिकुलरली? और ये जो डांस है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देखनी। और मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है दैट इज वन ऑफ द फोक डांसेस ऑफ गोवा। और डांस देखनी ये परफॉर्म करते हैं जब तारिया मामा रहता है जो बोट चलाता है। वो लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको ये साइड से वो साइड में जाना है। हाँ। तो उस पर ये एक गाना कंपोज हुआ था जो वो बॉलीवुड में भी ले चुके हैं। अच्छा, कौन राज कपूर जी ने वो गाना बॉलीवुड मतलब ये फोक डांस से लेके मूवी में डाला था। अच्छा। तो उससे ये डांस फोक डांस क्रिएट हुआ है। और मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है ये धनगर जाति जो रहती है वो एक्चुअली इनहेबिटेड फ्रॉम राजकोट सौराष्ट्र गुजरात से वो लोग अपने भेड़ बकरियों को लेके चराते चराते गोवा पहुंच गए। हाँ। और उनका जो ट्रेडिशनल जो कपड़ा रहता है ये मैंने जो पहना हुआ है। हाँ। वो आज भी लोग पहनते हैं और ये कपड़ा लेके उनका जब एक उत्सव रहता है तो उत्सव के टाइम पे ये ऐसा वेष बना के वो लोग डांस करते हैं तो ये डांस को धनगर गजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनगर गजा। धनगर गजा। हाँ। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड गाइस, ये बहुत सुंदर लग रहा है। सो
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इनके साथ पिक्चर ना कराएं? सो हमने इनके साथ पिक्चर कराई एंड देन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पिक्चर तो बनती है ना गाइस। सो अब तक आपको मजा आ रहा है तो काइंडली लाइक दिस व्लॉग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आफ्टर गोवा हम सीधा आ चुके हैं मणिपुर के पवेलियन में और यहाँ से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हो गई है नाइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह चल रही है। अभी हम स्टॉल्स पे से आ रहे हैं तो जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वही है, सारे टैब्यूज लगे हुए हैं पीछे तक। अगर अभी हम लोगों को घर जाना है तो वो उधर कुछ हो रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे भी असम के हैं सारे, तो स्टॉल्स नहीं घूम पाई मैं, बट यहाँ पे अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में कुछ कुछ हो रहा है, काफी मजा आ रहा है। एंड अभी इवनिंग हो चुकी है, देखते हैं। सो गाइज, अभी जो हमने स्टंट देखा था वो देखने के लिए मैं जैसे ही आगे आती हूँ मुझे पता चलता है कि वो खत्म हो चुका है शो। सो गाइज, अब हम आपको लेके चलते हैं कल्चरल एरिया में वंस अगेन, जो आपने पार्ट वन में देखा था डे टाइम में, अब आपको दिखा रहे हैं नाइट में। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने लोग ऑडियंस जो है बैठी हुई है, दिन में इतनी नहीं थी पार्ट वन में जो आपने देखा था। एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दिस परफॉर्मेंस, तो आप भी करिए। पर वेट, अभी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, प्रोग्राम चल रहा है और अभी हम आगे जा रहे हैं तुमने भारत में कवर, देखते हैं यहाँ पे वीडियो मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। सो एज यू गाइज कैन सी कि यहाँ पर सब लोग पिक्चर क्लिक करा रहे, तो हमें अतुल्य भारत की प्रॉपर वीडियो नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, ये परफॉर्मेंस इन्जॉय करते हैं। सो गाइज, ड्यू टू कॉपीराइट इश्यू मैं आपको पूरा गाना नहीं दिखा सकती, बट आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं जो हो रही है इन फास्ट फॉरवर्ड मोड। गाइज यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। सो गाइज, ये जो इतनी अच्छी अच्छी आपको लाइट्स दिख रही है ऑन स्टेज, म्यूजिक जो है एंड एवरीथिंग जो भी कंट्रोल हो रहा है, पैनल जो है मेरे राइट साइड पर अभी आपको दिखाया था वहाँ से। सो अभी हम दोबारा से जा रहे हैं स्ट्रेट पवेलियन में। सो गाइज, इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हम लोग चलते हैं दोबारा से गोवा, बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बात करी थी उन्होंने बताया था कि परफॉर्मेंस होगा, सो व्हाई नॉट लेट मी टेक यू टू दैट अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ गोवा, लेट्स गो। वेलकम टू गोवा। सो एज यू कैन सी, अभी इन लोगों ने साड़ी पहना हुआ था, इन्होंने अभी चेंज कर लिया एंड दे आर रेडी फॉर द परफॉर्मेंस। तो फाइनली हमने देख लिया है गोवा का फोक डांस। कितने लोग गोवा गए हैं और गोवा जाके आपने ये डांस देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं देखा देन इट इज़ गुड दैट यू हैव सीन ओवर हियर। अभी गोवा का डांस चल ही रहा है पीछे, बट हम घर के लिए चल रहे हैं, निकल रहे हैं। यहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी चल रहा है पर हम लोग अभी घर जा रहे हैं तो देख नहीं पाएंगे। तो अब हम करेंगे फूड कोर्ट एरिया से होते हुए एग्जिट
एंड गाइज आपको ये वीलॉग कैसा लगा, ये है पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में। सो गाइज ऐसी एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ से गैदर करती हूँ जो वीलॉग्स बनाती हूँ। तो ऐसे ही इंडिया के बारे में अमेजिंग वीडियोज और वीलॉग्स देखने के लिए आप तैयार हो जाइए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज, लाइक शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।